वीडियो मैं एक क्वेश्चन से शुरू करना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिकल सा है और एग्जाम का क्वेश्चन भी है, लेकिन मैं इसको प्रैक्टिकल में मैं पूछना चाहूंगा कि जो पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र हैं वो बहुत ही ठंडे होते हैं, ठीक है। यहां पर अच्छा, उससे पहले एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, इट इज एक्चुअली फनी। पोलर बियर, ठीक है, पोलर बियर और पेंगुइन दोनों ही ध्रुवीय जंतु हैं, पोल्स में रहते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों कभी मिलते नहीं है, क्यों? क्योंकि एक साउथ पोल में रहता है और एक नॉर्थ पोल में, ठीक है। पेंगुइन साउथ, नॉर्थ पोल, पोलर बियर साउथ। ओके, नाउ यहां पर क्या होता है कि इतनी ठंड पड़ती है कि बड़े बड़े ओशियंस भी, महासागर भी जम जाते हैं, ठीक है। तो अगर ये जम जाते हैं या कहीं पर ठंडे जगहों पर जो छोटी मोटी झील होती है वो भी जम जाती है, ठीक है। तो जमने के बाद उसके जीव जंतु, तो फिर जो जलीय जीव जंतु हो तो मर जाएंगे, ठीक है। तो फिर लाइफ कंटिन्यू कैसे करती है? समुद्र के जम जाने के बाद भी, या जो भी झील है तालाब है उसके जम जाने के बाद भी उसमें लाइफ कंटिन्यू कैसे रखती है, इसका कारण क्या है? इसका आंसर मैं क्लास के दौरान बताऊंगा, तो वीडियो को देखते रहिए। ओके, अब ऊष्मा का के स्थानांतरण को समझते हैं। ऊष्मा का परिभाषा, ऊष्मा की परिभाषा मैंने क्या बताई थी कि ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का वो रूप जो टेम्परेचर में डिफरेंस की वजह से एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होता है। अगर दो ऑब्जेक्ट में टेम्परेचर में डिफरेंस है तो इधर से वो इधर ट्रांसफर हो जाएगा, किधर? हाई से लो टेम्परेचर की तरफ, ठीक है। नाउ ट्रांसफर होने का भी बहुत सा तरीका है, तो सबसे पहला जो तरीका है मैं पहले तीनों लिख देता हूं, चालन, इसको बोलते हैं कंडक्शन, दूसरा तरीका होता है संवहन, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्शन, ओके। तीसरा होता है विकिरण, जो कि आप लोग बहुत सुनते हो, रेडिएशन। सबसे पहले हम लोग चालन यानी कि कंडक्शन को देखते हैं। चालन किसमें होता है? चालन होता है ठोस में। इसमें क्या होता है, जैसे कि आप अगर एक मोमबत्ती ले लें, और उसमें एक धातु का स्केल, धातु का पैमाना लगा देकर बोले, और इधर से आप इसको पकड़ लीजिए, तो कुछ देर तक आप पकड़ पाएंगे और उसके बाद फिर ये आपको गर्म लगने लगेगा और आपको छोड़ना पड़ेगा। तो क्या हुआ कि यहां ऊष्मा का स्रोत यहां पर है, हीट इसको मिल रही है, और हीट से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो यहां का टेम्परेचर बढ़ गया। लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि यहां का भी टेम्परेचर बढ़ गया, यहां का भी बढ़ गया, यहां का भी बढ़ गया, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं चालन। अब यहां पर ऐसा है क्या, मान लीजिए कि ये लोहे का स्केल है, तो क्या लोहे का कण यहां से यहां पहुंचा? नहीं, सब अपने जगह पर है। तो पदार्थ का ट्रांसफर नहीं हुआ, सिर्फ ऊर्जा का ट्रांसफर हुआ, है ना। इसको बोलते हैं कंडक्शन, चालन। इसका परिभाषा क्या है कि बिना पदार्थ के वास्तविक स्थानांतरण के, बिना पदार्थ के वास्तविक स्थानांतरण के ऊष्मा के स्थानांतरण को चालन कहते हैं। मतलब कि बिना मटेरियल के ट्रांसफर हुए हीट का ट्रांसफर होना कंडक्शन कहलाता है। नाउ इसमें भी एक छोटी सी चीज है जो मैं बता ही देना चाहूंगा,
जब कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिटेल्स भी देख लेते हैं। देखिए, एक छड़ है जिस पे एक सिरे का टेम्परेचर टी वन है, एक का टी टू है, लेट्स से टी टू ज्यादा है, टी टू हाई टेम्परेचर है। इसका जो क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन है ए और इसकी लंबाई है एल। अब चूंकि तापमान में अंतर है तो हीट का फ्लो होगा टी वन से टी टू की तरफ होगा, तो जो हीट के फ्लो का रेट है, हीट के फ्लो का रेट मतलब कि एक सेकंड में कितनी हीट फ्लो कर रही है, ठीक है। तो वो जो रेट है उसको मैं आर से डिनोट कर रहा हूं, हीट के फ्लो का रेट। तो ध्यान दीजिएगा, ये हीट नहीं है, हीट के फ्लो का रेट है, इसलिए इसका जो यूनिट है ना वो जूल प्रति सेकंड है, ठीक है। वो समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर में डिफरेंस का, टी टू माइनस टी वन का, इसको डेल्टा टी भी आप लिख सकते हैं। और फिर किसका समानुपाती होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। और फिर किसका व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसकी लंबाई का, यानी जितना लंबा आप रॉड लेंगे उतना ही धीरे धीरे उसमें अगर ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो तीनों को मिला दीजिए, क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो तीनों को मिला दीजिए, क्या मिलेगा आपको, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू माइनस टी वन इंटू ए और बाई एल, ठीक है। इक्वल करने के लिए कांस्टेंट लगा देंगे, तो ये इक्वल, इस कांस्टेंट का नाम क्या है, इसको बोलेंगे पदार्थ की चालकता, कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। एक विद्युत चालकता भी होती है, तो ये थर्मल कंडक्टिविटी है, ऊष्मीय चालकता, जहां के क्या है, एक समानुपाती नियतांक है जिसको बोलते हैं ऊष्मीय चालकता। अब अगर उसमें चालकता का कोई ऐसा यूनिट पूछे तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए, इसका यूनिट मैंने क्या बताया था, जूल पर सेकंड, ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक मिनट ध्यान दीजिए, ये मीटर स्क्वायर है और ये मीटर है, ठीक है। तो एक मीटर कैंसिल हो गया तो सिर्फ ऊपर मीटर बचा, तो ये चला आएगा इधर, तो पर मीटर हो जाएगा प्रति मीटर। ये टी टू माइनस टी वन क्या है, तापमान में टेम्परेचर में डिफरेंस, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, केल्विन, इधर आएगा तो प्रति केल्विन। हो गया, इससे न्यूमेरिकल भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आपसे, आपको क्षेत्रफल दे दे, लंबाई दे दे, तापमान में अंतर दे दे, चालकता दे दे, और आपको ऊष्मा स्थानांतरण का दर पूछ सकता है, ये इतने ऊष्मा ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगेगा ये पूछ सकता है। तो इसका कभी न्यूमेरिकल डिस्कस करते समय मैं बता दूंगा, अभी न्यूमेरिकल को छोड़ देते, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखिए, जिसके लिए के ज्यादा होगा उस पदार्थ को बोलेंगे ऊष्मा का सुचालक, जिसका के ज्यादा होगा उसमें ऊष्मा अच्छे से जल्दी जल्दी पार हो जाएगी, जिसका के बहुत ही कम होगा उसमें क्या होगा कि ऊष्मा का ट्रांसफर बहुत ही स्लो होगा, जिसमें बहुत स्लो होगा नहीं के बराबर होगा उसको बोलेंगे कि ये ऊष्मा का कुचालक है, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, ये सब ऊष्मा के कुचालक है, बैड कंडक्टर्स है ना, पुअर कंडक्टर्स। गुड कंडक्टर कौन होता है, तो मेटल्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं संवहन, संवहन यानी कि कॉन्वेक्शन, ये किसमें होता है, ये तरल में होता है, फ्लूइड में। फ्लूइड आप जानते हैं दो तरह का होता है,
एक गैस और द्रव, लिक्विड और गैस दोनों को फ्लूइड बोलते हैं। इसमें संवहन होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप मिट्टी का बर्तन ले लें, ठीक है, और उसमें बनाए सब्जी, तो अगर आप खाना बनाते हैं तो ट्राई कीजिएगा मिट्टी के बर्तन में सब्जी बनाने का, बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हीट ना यहीं पर बर्तन गर्म होगा सिर्फ, क्योंकि ये जो मिट्टी का बर्तन है कुचालक है, तो हीट यहीं पर मिलेगा, यहां पर ठंडा रहेगा और यहां पर पूरा गर्म हो जाएगा, तो इधर का सब्जी ठंडा रहेगा और इधर का चलने लगेगा, ठीक है। लेकिन इसमें आप खीर बना सकते हैं, इसके कुचालक होने के बावजूद भी आप खीर बना सकते हैं। खीर में क्या है, दूध है, दूध में क्या है, पानी है, पानी क्या है, उसमें का कुचालक है, ठीक है, तो भी बन जाता है। कैसे, ध्यान दीजिए, ये है पानी, ठीक है, और जब आप इसको गर्म कर रहे हैं तो यहां का पानी गर्म हो गया, गर्म होके पानी हो जाता है हल्का। देखिए क्या होता है ना, मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी है, आप गर्म किए तो 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है कि इसका घनत्व बढ़ता है, 4 डिग्री सेल्सियस तक इसका जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो बढ़ता है। फिर और ज्यादा गर्म कीजिएगा तो उसके बाद फिर घटने लगता है इसका डेंसिटी। पानी के साथ ऐसा होता है, पानी का जो डेंसिटी है, वाटर का जो डेंसिटी है, वो 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस से उसको ठंडा कीजिएगा तो भी वो फैलेगा, और 4 डिग्री सेल्सियस से गर्म कीजिएगा तो भी वो फैलेगा। तो मतलब आप गर्म कर रहे हैं तो ऑफकोर्स चूल्हा में चढ़ाएंगे तो 4 डिग्री सेल्सियस से तो ज्यादा होगा ना, ओके, हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, फैल जाएगा, ये हल्का हो जाएगा, और हल्का होके ऊपर उठ जाएगा उस प्लावन बल की वजह से, और ऊपर उठेगा तो यहाँ वैक्यूम तो रहेगा नहीं, इसका जगह पे दूसरा पानी, ठंडा वाला पानी ले लेगा, फिर ये भी गर्म होके ऊपर चला जाएगा, और फिर ऊपर चला जाएगा, फिर इसका जगह दूसरा ठंडा लेयर ले लेगा, इस तरह करते करते पूरा गर्म हो जाएगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं कन्वेक्शन, ठीक है। और इस प्रोसेस का प्रूफ यहां पे आप कैसे जानेंगे कि कंडक्शन नहीं हो रहा है, कन्वेक्शन ही हो रहा है, तो इसको आप रियलाइज भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, आप छत की टंकी पर जाइए और देखिएगा कि ऊपर का पानी गर्म होगा, नीचे का पानी आपको ठंडा मिलेगा। क्यों? क्योंकि चूल्हा में क्या हो रहा था, नीचे पानी गर्म हो रहा था और हल्का होकर के ऊपर चला रहा था। छत में क्या है कि ऊपर से हीट आ रहा है, ऊपर से हीट आ रहा है तो ऊपर का पानी गर्म हो रहा है, तो अब ये हल्का होकर के नीचे तो जाएगा नहीं, हल्का होकर के और ऊपर ही रहेगा, तो फिर क्या हो रहा है, ऊपर वाला गर्म होके गर्म रह जा रहा है। हाँ, हर कोई भी चीज पूर्णतः कुचालक नहीं होती ऊष्मा की, तो थोड़ा बहुत ऊष्मा ऐसे ट्रांसफर हो ही जाएगा नीचे भी, तो नीचे भी थोड़ा बहुत गर्म हो जाएगा, लेकिन ऊपर ज्यादा गर्म रहेगा, यहाँ पे कन्वेक्शन नहीं होगा क्योंकि ऊपर से गर्म कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं उस क्वेश्चन पर जो मैंने स्टार्टिंग में पूछा था कि तालाब और समुद्र के जम जाने पर भी उसमें एक्वाटिक लाइफ जो है वो कैसे कंटिन्यू रहती है। देखिए, इसका रीजन है 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व का मैक्सिमम होना। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान ने दुनिया बहुत सोच समझ के बनाई, कि एक छोटा सा गुण कि पानी का जो घनत्व है वो मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, इसकी वजह से एक्वाटिक लाइफ दुनिया में ठंडे जगहों में रहता है, नहीं तो नहीं होता। कैसे, वो देखिए, ऊपर का एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर चेंज होना शुरू होता है, ठीक है, चेंज होना शुरू हुआ, ठंडा होना शुरू हुआ। शुरू में इस पानी का टेम्परेचर था, पूरे जलाशय का, पूरा जो भी तालाब है, झील है, समुद्र है, जो भी है, उसका टेम्परेचर था लेट्स से 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि टेम्परेचर बाहर का कम हुआ, बाहर का मान लीजिए कि लेट्स से 0 डिग्री सेल्सियस हो गया है, 0 क्या और कम कर लीजिए, -10, चलिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये ऊपर का जो लेयर है वो हीट लूज करना शुरू करेगा, हीट लूज करना शुरू करेगा और ठंडा होते जाएगा। तो जैसे कि ये पूरा 10 है, ऊपर वाला लेयर 9 हो गया, तो क्या हो गया, थोड़ा सा सघन हो गया। अब सघन हो गया तो नीचे ये बैठ जाएगा, फिर ऊपर का लेयर, करते करते क्या हो जाएगा,
पूरे तालाब का टेम्परेचर 9 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, हो गया। उसके बाद क्या होगा, ऊपर वाला लेयर और ठंडा हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठंडा हो किस भारी हो जाएगा और नीचे बैठ जाएगा, फिर नेक्स्ट वाला लेयर भारी होकर नीचे बढ़ जाएगा, फिर नेक्स्ट वाला लेयर जो है नीचे बढ़ जाएगा भारी होकर के, करते करते पूरा तालाब का टेम्परेचर 8, फिर करते करते नेक्स्ट स्टेप में 7, फिर करते करते क्या हो जाएगा, पूरे तालाब का टेम्परेचर 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 में जाके आप रुक गया, अब क्या होगा, 4 डिग्री सेल्सियस हो गया, अब क्या होगा, जो टॉप वाला लेयर है उसका टेम्परेचर लेट से 4 से घट के 3 हो गया। ठीक है, अब यहीं पर चमत्कार होगा। क्या चमत्कार होगा, कि चूंकि 3 डिग्री सेल्सियस है और पानी का घनत्व तो 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज्यादा होता है, तो जब 3 होगा तो यहां पे क्या हुआ, घनत्व बढ़ा कि घटा, घट गया, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज्यादा होता है, 4 से 3 पे आया तो उससे भी जो घनत्व है वो क्या हो गया, कम हो गया। अब घनत्व कम हो गया तो जिसका घनत्व कम होता है वो डूबता नहीं है, तैरता है, तो अब ये जो लेयर है वो नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही रह जाएगा। अब ऊपर ही रहेगा तो बाहर से, बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसके कांटेक्ट में कौन है, सिर्फ ऊपर वाला लेयर, तो ऊपर वाला लेयर भी ठंडा होते रहेगा, 3 से 2 हो जाएगा, 2 से 1 हो जाएगा, 1 से 0 हो जाएगा, और 0 होने के बाद फिर जमना शुरू हो जाएगा, जमना शुरू हो जाएगा और फिर बर्फ जम जाएगी, तो कौन सा लेयर जमेगा, सिर्फ ऊपर वाला, अंदर वाला कितने टेम्परेचर पे रहेगा, ऑलमोस्ट 4 पे रहेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि सिर्फ टॉप वाला लेयर जम जाएगा और अंदर पानी होता है। तो अगर कभी आप डिस्कवरी चैनल में बेयर ग्रिल्स या किसी और को देखते होंगे बर्फ में चलते हुए, या फिर किसी ट्रैकर को देखते होंगे जाते हुए ट्रैकिंग करते हुए बर्फीले इलाकों में, तो बहुत संभाल के जाना पड़ता है, क्योंकि ऊपर बर्फ होती है और नीचे पूरा पानी होता है। ठीक है, बर्फ तोड़ के कोई अंदर चला गया तो पता चला नीचे पूरा समुद्र है। ठीक है, तो जैसे ही अंदर गया वापस आना पड़ेगा, नहीं तो कोई पता चला घूमते घूमते समुद्र में उधर चला गया, वापस ही नहीं आ पाया। ठीक है, तो ऐसा होता है, और अंदर आराम से 4 डिग्री सेल्सियस के लगभग में टेम्परेचर है, जीव जंतु आराम से जीवित रहते हैं। इसका रीजन क्या है, पानी का एक गुण, जल का एक गुण, कि वो 4 डिग्री सेल्सियस पे उसका जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम होता है। ओके, कन्वेक्शन हो गया। यहां पर एक और चीज बता दूं, जो कन्वेक्शन का प्रोसेस है वो वायुमंडल में भी चलता है, वायुमंडल में भी चलता है, और उसी की वजह से हवा चलती है। जैसे हमारे यहाँ क्या है, मान लीजिए लाइट चली गई, इन्वर्टर भी डाउन है, बैटरी भी डाउन है, तो फिर क्या करते हैं हम लोग, पंखा चलते हैं, उससे हवा चलती है। ठीक है, लेकिन जब नेचुरली हवा चलती है तब पंखा कौन चलता है कि नहीं? तो क्या होता है वहां पे कि बहुत बड़ी पृथ्वी है, यहाँ पे हम एक इलाके में रहते हैं, तो यहीं पर कहीं पर ज्यादा गर्मी हो गई, कहीं पर टेम्परेचर थोड़ा कम है, तो जहां पे ज्यादा गर्मी है वहां की जो वायु है, एयर है, वो हल्के होकर के ऊपर उड़ जाती है। ठीक है, हल्की होकर ऊपर उठ गई तो यहाँ वैक्यूम बन गया, निम्न दाब बन गया। ठीक है, और इधर दाब ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, तो कोई भी जो फ्लूइड है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, तो जो हवा है वो किधर से किधर फ्लो करने लगेगी, इधर से इधर की तरफ। क्यों? क्योंकि यहाँ की हवा गर्म होकर ऊपर उठ गई है और यहाँ का प्रेशर कम हो गया, तो इधर से इधर हवा चलने लगेगी। तो ये कोई एरिया छोटा सा नहीं है, काफी बड़ा एरिया है, तो इस पूरे बड़े एरिया में क्या होगा, हवा का फ्लो होगा, और फिर ये ऊपर जाएगा और ऊपर की हवा यहाँ जगह ले लेगी, क्योंकि अब यहाँ से हवा निकल गई तो यहाँ का प्रेशर कम हो गया, ऊपर की हवा यहाँ का जगह ले लेगी। ठीक है, तो इस तरह से हवा चलती रहती है। हवा के चलने का कारण क्या है, तो वही तापमान में अंतर। ठीक है, तापमान के अंतर की वजह से दाब में अंतर हो जाता है और हवा चलने लगती है। यहां से एक क्वेश्चन बनता है जल समीर और स्थल समीर का, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। अगर आप कभी समुद्र तट पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि दिन के समय ठंडी ठंडी हवा चलती है और रात के समय
नहीं चलती, ठीक है। ठीक है, ये बीच है, एक्चुअली गांव जैसा लग रहा जो भी है, लेकिन ये समुद्र है, ठीक है। अब क्या है कि दिन के समय आपको ठंडी ठंडी हवा मिलेगी रात में, इसका कारण क्या है कि यहां पे मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि जल एक बहुत अच्छा कूलेंट होता है। कूलेंट मतलब वो क्या है कि प्लांट में, इंडस्ट्रीज में जब मशीन के पुर्जे गर्म हो जाते हैं तो उसको ठंडा करने के लिए पानी में डाला जाता है, या फिर गाड़ी में भी आप देखते होंगे कि इंजन के गर्म होने पर पानी डाला जाता है। तो पानी एक बहुत अच्छा कूलेंट है। इसके पीछे कौन सी प्रॉपर्टी है कि उसका जो स्पेसिफिक हीट है पानी का वो काफी ज्यादा होता है। स्पेसिफिक हीट ज्यादा होने से क्या है कि उसको गर्म करने के लिए आपको ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी। जैसे कि आप गर्म करें एक साथ लोहे को एक तरफ और एक तरफ पानी को, तो लोहा तुरंत गर्म हो जाएगा, आप उसको छुएंगे तो हाथ जल जाएगा, लेकिन पानी को गर्म होने में भी टाइम लगता है और गर्म हो गया तो ठंडा होने में भी टाइम लगता है। तो सबसे अधिक किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा होती है? पानी की। पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, इसलिए उसको गर्म या ठंडा होने के लिए बहुत सारी ऊष्मा की जरूरत पड़ती है। तो जल धीरे से धीरे धीरे गर्म भी होता है और धीरे धीरे ठंडा भी होता है, तो इसलिए इसका यूज एज अ कूलेंट किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर भी वही चीज है कि ये आ गया सूरज, तो पानी क्या है धीरे धीरे गर्म होगा, ओके पानी जो है धीरे धीरे गर्म होगा, और ये जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाएगा, है ना। तो यहां पर हो गया गर्म, और गर्म होके इसको मैं क्लीन कर देता हूं, ओके। अब ध्यान से देखिएगा क्या होता है कि यहां पर लैंड हो गया जल्दी गर्म, गर्म हो गया तो यहां से जो एयर है वो ऊपर उठ गया, तो यहां लो प्रेशर हो गया, तो इसका जगह लेने के लिए हवा किधर से आएगी? इधर से, समुद्र की तरफ से। और इधर का टेम्परेचर कम है तो ठंडी हवा आएगी, इसको बोलते हैं सी ब्रीज। ब्रीज मतलब हल्की हल्की हवा, ठीक है। ये हो गया सी ब्रीज। कब चलती है? दिन के टाइम। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? समुद्र के तट पे दिन के समय चलती है, स्थल समीर, जल समीर, और भी कोई दो ऑप्शन दे देगा। तो दिन के समय सी ब्रीज यानी समुद्र समीर, ठीक है। और रात के समय क्या होता है? रात के समय सूरज तो चला गया सोने और सब कुछ ठंडा होने लगा, तो जमीन जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा भी हो जाता है, लेकिन पानी रहेगा गर्म। तो यहां पर गर्मी ज्यादा है, यहां की हवा गर्म होके ऊपर उठ जाती है रात के समय, तो यहां जो हवा उठ गई उससे निम्न दाब का क्षेत्र बन गया, लो प्रेशर का क्षेत्र बन गया, और उसका जगह लेने के लिए इधर से हवा चलती, ठीक है। तो रात के समय जमीन की साइड से हवा चलती है, इसको बोलते हैं लैंड ब्रीज। हिंदी में बोलते हैं स्थल समीर। तो ये भी क्या है? कन्वेक्शन ही है, है ना। तो ये कन्वेक्शन से रिलेटेड हो गया। अब आते हैं रेडिएशन की तरफ। रेडिएशन, रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन मतलब कि विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग आप समझते हैं, ऐसे लाइट है, रेडियो किरणें हैं, एक्सरे है, ये सब विद्युत चुंबकीय किरणें हैं। इनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तो इन लाइट्स के थ्रू, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू भी ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, ठीक है। जो लाइट हीट हम लोग को सन से मिलता है उसका 1/3 इंफ्रारेड रेज से आता है, ये इसको भी याद रखिएगा, फैक्ट है। तो जैसे कि पृथ्वी है, तो यहां कुछ दूर तक तो हवा है,
है ना, लेकिन उसके बाहर कुछ भी नहीं है, हवा भी नहीं है। तो सूर्य से जो गर्मी आ रही है वो कैसे आ रही है, विकिरण के थ्रू आ रही है। विकिरण में प्रकाश भी शामिल है और कुछ दृश्य प्रकाश से ऊपर के रेंज की किरणें और कुछ नीचे के रेंज की किरणें भी है, है ना। तो दृश्य प्रकाश दिखता है और बाकी किरणें नहीं दिखती हैं। ये हो गया विकिरण। विकिरण का कुछ एग्जांपल्स भी आप देख सकते हैं, जैसे कि घर में आप अनुभव करेंगे कि शाम के टाइम गर्मी अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाती, रूम के अंदर आपको दोपहर से भी ज्यादा गर्मी लगने लगती, आपको छत जाना पड़ता है, ठीक है। उसका कारण क्या है, ये है आपकी घर उसके अंदर की दीवार, तो दिन के समय वो क्या करता है, रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो जब बाहर से शाम हो जाती है, बाहर से रेडिएशन मिलना बंद हो जाता है, एब्जॉर्प्शन बंद हो जाता है, उसके बाद वो क्या करता है, रेडिएशन को इमिट करना शुरू कर देता है। अब ये गर्म दीवार है तो चारों तरफ रेडिएशन इमिट करेगा यानी छोड़ेगा, अंदर भी रेडिएशन छोड़ता है। रेडिएशन मतलब क्या, किरणें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें। तो वो दिखाई नहीं पड़ती, आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन इन किरणों की वजह से गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। या किसी बिल्डिंग में आग लग जाए तो ये आग बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, क्यों, क्योंकि आग जल रही है तो जो चीज उसके कॉन्टेक्ट में आएगी उस वो तो जलेगी, इसके अलावा गर्मी पड़ने की वजह से रेडिएशन स्टार्ट हो जाता है। रेडिएशन स्टार्ट हो जाता है तो इस रेडिएशन से आसपास की सारी चीजें गर्म होने लगती है, तो इससे क्या होता है, आग और भी डेंजरस हो जाता है रेडिएशन की वजह से। तो यहां पर प्रकाश के सॉरी ऊष्मा के स्थानांतरण की वह विधि जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसको कहते हैं विकिरण। तो यहां पर तीन चीज हो गया, एक कंडक्शन जिसमें पदार्थ के स्थानांतरण के बिना ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, लेकिन पदार्थ के थ्रू ही होता है, मीडियम की जरूरत उसमें है। फिर दूसरा हो गया, मैंने बताया कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या है कि पदार्थ के वास्तविक स्थानांतरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण को कन्वेक्शन बोलते हैं। मटेरियल का ट्रांसफर हो रहा है और उसके साथ हीट का भी ट्रांसफर हो रहा है, उसको बोलते हैं कन्वेक्शन। रेडिएशन क्या है, बिना मीडियम के हीट के ट्रांसफर को बोलते हैं रेडिएशन। तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज भी जान लीजिए कि जो चीज जो पिंड रेडिएशन को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है उसको बोलते हैं कृष्ण पिंड, ठीक है। तो महाभारत वाले कृष्ण नहीं है, कृष्ण मतलब होता है काला, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक बॉडी। तो इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि ब्लैक चीज ही ब्लैक बॉडी होगी। कोई भी ऑब्जेक्ट जो सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर ले, जब हीट मिले तो उस टाइम एब्जॉर्ब कर ले, उसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी में एक और क्वालिटी होता है, जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आप झारखंड के कॉलेज में सीनियर पूछते हैं जूनियर्स से कि एक दो पत्थर है, ठीक है, एक ब्लैक है और एक व्हाइट है, दोनों को गर्म कर दिया गया, ठीक है, गर्म कर दिया गया और उसके बाद छोड़ दिया गया, पहले कौन ठंडा होगा, ब्लैक वाला या व्हाइट वाला। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ब्लैक, कुछ लोग बोलते हैं व्हाइट, सही कौन सा वाला है, तो ब्लैक वाला ठंडा होगा, जल्दी गर्म भी होगा जल्दी ठंडा भी होगा, क्योंकि ब्लैक कलर जो है वो लाइट एब्जॉर्ब भी करता है ज्यादा, और जब एब्जॉर्प्शन बंद हो जाएगा इमिशन स्टार्ट होगा तो इमिट भी ज्यादा करता है। ब्लैक बॉडी जो है वो एक परफेक्ट एब्जॉर्बर भी होती है और परफेक्ट इमिटर भी होती है, अवशोषक भी और उत्सर्जक भी, ठीक है। तो ये उत्सर्जन भी ज्यादा करेगी और जल्दी ठंडा हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी का उदाहरण है तो सूरज, ठीक है, सन जो है वो एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी का एग्जाम्पल है। परफेक्ट ब्लैक बॉडी कौन, जो 100% एब्जॉर्ब करे और 100% इमिट करे लाइट। ये हो गया, कंडक्शन भी खत्म। तो आज के